वायरस को लेकर जहां भारत सरकार अलर्ट रह रहा है, वहीं यूपी के महाराजगंज जिले में सबसे संवेदनशील सीमा सुनौली और जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग लापरवाही बरत रहे हैं। सुनौली और टूटीबारी बॉर्डर से प्रतिदिन हजारों पर्यटक और नेपाल के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं, लेकिन इन सब की जाँच और स्क्रीनिंग में समस्या आ रही है। वजह है थर्मल स्कैनर का ना होना। शासन ने थर्मल स्कैनर भेजा तो था, लेकिन वो लगने से पहले ही ख़राब निकला, जिसके बाद सीमा पर स्वास्थ्य विभाग शॉर्ट गन टेम्परेचर से लोगों की जांच करने को मजबूर है। वहीं स्थानीय लोगों को डर बना हुआ है। यह नज़ारा है महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली नोमेस लैंड का, जहां से हर रोज़ नेपाल, भूटान और अन्य देशों को हज़ारों यात्री भारत में प्रवेश करते हैं। सरकार ने इन सभी यात्रियों की प्रॉपर जांच स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश देने के लिए कहा है, लेकिन ऐसा यहां नहीं हो रहा है। यहां अभी तक कोरोना वायरस की जांच के लिए लगने वाला थर्मल स्कैनर ही अभी तक नहीं आया। बॉर्डर पर मौजूद डॉक्टरों की टीम शॉर्ट गन टेम्परेचर मशीन से ही लोगों की जाँच कर रही है, जिसमें सबकी आँच में दिक्कत आ रही है। वहीं दो दिन पहले सीमा पर निरीक्षण करने आए जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने खुद मीडिया से थर्मल स्कैनर लगाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोरोना वायरस को लेकर यहां की सुरक्षा भगवान भरोसे ही चल रही है। कोरोना वायरस को लेकर एक नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कि बॉर्डर एरियाज में जितने भी नागरिक आ रहे हैं उन सबका एक नेसेसरी टेम्परेचर चेकअप और वो मेडिकल हिस्ट्री के लिए वो देखना है हमें। तो यहाँ पे हमने सीएमओ को निर्देश दिया है कि जो हमारा सोनौली बॉर्डर और टूटीबारी बॉर्डर है, वहाँ पे हम हेल्थ चेकअप के लिए एक पोस्ट लगाई जाएगी, जिसमें डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे और हर एक नागरिक के लिए चेकिंग की जाएगी। साथ ही थर्मल स्कैनर जो लगाया गया था वो थोड़ी ख़राबी हुई थी, उसको टेक्निकली सही कराकर आज शाम तक या मैक्सिमम कल सुबह तक उसको लगा दिया जाएगा, जिससे कि उसकी थर्मल स्कैनिंग की जा सके, इफ़िशियंसी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ भीड़ काफ़ी होती है तो थर्मल स्कैनर की ज़रूरत है। वो आज शाम या कल सुबह तक लगाने की बात कर रहे हैं ये लोग। और इसके अलावा यही देखा जा रहा है कि क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे हम लोग नागरिकों को असुविधा भी ना हो और बचत कैसे कर सके लोग, इसके बारे में सबको अवेयरनेस जो क्रिएट किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उसको ज़रूर देखें। WHO के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसको भी पढ़ें और सब लोग सुरक्षित रहें, एजुकेटेड रहें, जिससे कि कोई भी चीज़ पैनिक ना क्रिएट हो, लेकिन जो हमें जानकारी होनी चाहिए और जिस चीज़ से हम लोगों को बचना है उससे हम लोग ज़रूर बचें। देखिए, हाल ही में नया एडवाइजरी जो जारी हुआ उसके तहत विदेश से जितने आने वाले तीसरे राष्ट्र से यहाँ पर्यटक आते थे उनके वीज़ा को सस्पेंड कर दिया गया। बहरहाल केवल नेपाल और भूटान राष्ट्र से जो व्यक्ति इंडिया में आते थे उनके लिए स्क्रीनिंग के लिए कहा गया है। वर्तमान समय सोनौली बॉर्डर पे, इजिप्ट बॉर्डर पे ही पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो लगातार 24 घंटे वहाँ जो नेपाल राष्ट्र से लोग इंडिया में आ रहे हैं उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग कर रहे हैं। सर, थर्मल स्कैनर अभी तक नहीं लगा है, लोगों को डर भी बना हुआ है कि फैल ना जाए, क्या कारण है कि अभी तक नहीं लग पाया है इस सेंस की बॉर्डर है? अब थर्मल स्कैनर के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं। बहरहाल सभी स्वास्थ्य विभाग के लोगों से संपर्क में है, प्रयास में है। बहरहाल जितना संसाधन अभी तक उपलब्ध है उन्हीं से काम चल रहा है।